की अब भगवान के सब जाके हेल्पफुल बनो और गुजरात का स्थापना दिवस भी प्रॉपर माल्यार्पण कीजिए सभी जिला स्तर के पदाधिकारी विकास आयोग बाकी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं और आज का दिन राज का 22वां स्थापना दिवस भी है। आज का दिन एक ऐसा अवसर भी है जब हम लोग भगवान के साथ मिलकर के उतार रहे हैं तो भगवान प्रसन्न सब मुंडा और जयंती के साथ साथ हमारी झारखंड की स्थापना दिवस की है 22वां भगवान बिरसा मुंडा ने जिस हिसाब से अपना बलिदान दिया है इसके लिए और धरती को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी फिर संकल्प हैं और आज स्थापना दिवस के अवसर पर ये संकल्प करने का अवसर है कि झारखंड को उन ऊँचाइयों पर ले जाएँ जहाँ पूरा विश्व इसके दौरान झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामना है। झारखंड के 22 वर्ष पूरे हो गए और हम आज हमारे बीच में नहीं हैं, दिवंगत देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन हम उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने यह झारखंड राज्य अलग राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अटल आडवाणी की अटल जी उन लोगों ने। और आज के दिन धरती आबा वीर बिरसा मुंडा की जयंती भी है, सब संयोग है। और मैं फिर अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज के दिन इस बिरसा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उन्होंने आज जनजातीय गौरव दिवस पिछले साल से घोषणा किया है और पूरा राष्ट्र आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में ही मनाता है। क्या कुछ कर रहे हैं आज आप लोग? देखिए, आज बिरसा मुंडा जी के जो हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, आज पूरे झारखंड में जोर शोर से उनकी जयंती मनाया जा रहा है और उन्हीं के जयंती पर झारखंड जब अलग राज्य का गठन हुआ तो स्थापना दिवस उन्हीं के जयंती के अवसर पर रखा गया था, इसलिए आज स्थापना दिवस भी है उनके जयंती के अवसर पर। और कांग्रेस पार्टी का बहुत योगदान है झारखंड अलग बनाने में। उस समय ये बिहार राज्य था और बिहार राज्य में लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस भी सरकार में थी और हमारे बहुत सारे एमएलए मंत्री थे। सबों ने अपना त्याग देकर झारखंड को अलग राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं, आज बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है और कांग्रेस ने बहुत बड़ा झारखंड को अलग करने में जो है योगदान दिया है और हम लोग इसी तरह से जो है हर साल मनाते रहेंगे।